यह मामला गोरीगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है, जहां कल 31 जनवरी शाम करीब 4 बजे कस्बे के रहने वाले 30 वर्षीय युवक कपिल जायसवाल बस स्टॉप से अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से आए बाइक सवार 6 दबंगों ने बीच सड़क कपिल क्रिकेट बैट और स्टंप से पिटाई कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर दबंग अपना तांडव मचाते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। युवक की पिटाई सूचना जैसे ही परिजनों को लगी, तत्काल परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन लखनऊ ले जा रहे थे कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही कपिल की मौत हो गई। मृतक के पिता की माने एक सप्ताह पहले मुसाफिर खाना रोड पर उसके बेटे का नीरज पांडे नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करवा दिया था। बाद में नीरज पांडे ने धमकी दी थी और उसी ने मेरे बेटे की हत्या करवाई है। वहीं मृतक के भाई की माने तो वह दुकान पर बैठा था और कस्बे के एक युवक ने आकर जानकारी दी कि उसके भाई को कुछ लोगों ने बैट से पीटा और फरार हो गए। जब हम लोग मौके पर पहुंचे और भाई को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया, हम लोग उसे लेकर मैदानता गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरे भाई का 8-10 दिन पहले मुसाफिर खाना रोड पर स्थित नहर के पास कोहार के रहने वाले नीरज पांडे से लड़ाई भी हुई थी, लेकिन मामला शांत हो गया था। आज उसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी। वहीं दिन दहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले पर गोरीगंज सीओ ने कहा कि दिन में करीब 3:15 बजे की घटना है, जहां कपिल को कुछ लोगों ने बैट से मार दिया था। मृतक का शव अभी घर पहुंचा है, परिवार की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना घटी है आपके साथ अभी? सर, घटना जो है ये घटी जो है कि हम दुकान पर अपने बैठे हुए थे, तो वहाँ से एक लड़का जो है रतन अग्रहरी, वो हमसे आकर के बाइक से बताया, भैया कि आपके भाई कपिल को जो है वहाँ 4-6 लोग जो है बैट से मार दिए हैं और वो रोड पर गिर गए हैं, उनको खून बह रहा है जो है। तो हमने जो है अपने छोटे भाई सुनील को फोन लगाया, तो जो है उनका फोन जो है लगा नहीं, मतलब लगा फोन जो है, लेकिन जो है तो हम देखे वो भी जो है बाइक से जा रहे हैं, तो हम लोग भी वहां पर बाइक से पहुंचे। जैसे जो है तो भैया अजय अग्रवाल थे वहां पर, अपनी गाड़ी पर कपिल को लाद रहे थे मिलकर जो है, तो हमने भी देखा जो है, तो कपिल हैं जो है, तो जा करके अपने मतलब कि हम भी लादने लगे जो है, सीधे ले गए असैदापुर अस्पताल में। तो वहाँ उनका कुछ ट्रीटमेंट जो भी हुआ जो है थोड़ा बहुत जो है, तो बोले तुरंत रेफर कर दिए जो है कि आप इनको लखनऊ ले जाइए। तो वेदांति जो है ले गए जो है, ले जा रहे मतलब कि 10-15 मिनट पहले तक उनकी सांस चलती थी हॉस्पिटल के पहुंचने के पहले पहले, लेकिन 15 मिनट पहले उनकी सांस शायद रुक गई जो है। तो डॉक्टर ने देखा तो भैया वो बोले कि इनकी सांस जो है इसमें रुक गई है, अब जो है कोई काम का है नहीं है। और इसके 8-10 दिन पहले जो है नहर के पास जो है अंग्रेजी की शराब की दुकान है, वहां पर नीरज पांडे कौहार से जो है थोड़ी मतलब थोड़ा बहुत उनसे विवाद हो गया था, लड़ाई जो है हो गई थी जो है। तो जब लड़ाई हो गई जो है तो मारपीट भी थोड़ी बहुत हो गई थी, तो वो लोग नीरज पांडे लोग 15-20 लड़के को बुलाए थे अपने, फिर गांव से वो लोग आए, तो अमर चौरसिया पीयू ट्रेडर्स ने समझाया कि भैया लड़ाई मत करो जो, चूंकि अमर चौरसिया पीयू ट्रेडर्स के यहाँ वो नीरज पांडे आता था लड़का जो है, तो वो समझाए, तो उस दिन बहरा भी लड़ाई शांत हो गई। लेकिन 8-10 दिन बाद फिर जो है ये वारदात जो आज हुई, तब ये वारदात हुई जो है। पीछे लोग वहां बताने वाले बता रहे हैं कि कपिल वहां से आ रहे थे, तो ये लोग पीछे से जो है बैट से जैसे मारे जो है, जैसे यहां बैट पड़ा जो है, तुरंत कपिल जो है नीचे गिर गया जो है, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तब भी ये लोग मारे जो है, फिर अपने लोग ये लोग मोटरसाइकिल से चल दिए। बताने वाले बता रहे हैं कि कुछ लोग सुल्तानपुर साइड को भगे, कुछ लोग उधर, और मैंने CCTV कैमरे में भी देखा जो है जा करके खुद, तो 3 लोग मुंह में बांधे हुए जो है, पीली जैकेट पहने हुए जो है, उस पर पल्सर बाइक है, उस पर कोई नंबर नहीं है, मैं जो उसको देखा अब चेहरा नजर नहीं आया। लेकिन मेन इसमें नीरज पांडे हैं, हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले बस। प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रशासन द्वारा अभी तक तो तुरंत SI गौतम प्रेमचंद गौतम जैसे सुने, वो जितने भी CCTV कैमरे उनके नॉलेज में थे वो जा करके देखे जो है, तो अब वही जान सकते हैं क्या हुआ। उसके बाद में हम दुकान बंद कर रहे थे, तो कोतवाल साहब आए जो है, उन्होंने कहा कि जो है हम 4-5 लोगों का नाम आ गया है, जो आप मैंने नाम बताया कि नीरज पांडे, कहें आप सही कह रहे हैं, वारदात करने वाला नीरज पांडे है, ये हमको पता चली, कई लोगों से हमने पता किया। तो और उसके बारे में सर हमसे, हमने कुछ उनको बताया नहीं, तो वो सर बोले कि 8-10 दिन पहले लड़ाई हुई थी। हमने कहा जी सर, 8-10 दिन पहले लड़ाई हुई थी। कहे तो आप जो कह रहे कड़ बात कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी,
इसके खिलाफ, और मैं जानता हूँ इसमें कौन कौन है, चेहरे आ चुके हैं पांचों लोगों के, पांच छह लोगों के। मैं तुरंत अब यहाँ से तुरंत कौहार जा रहा हूँ। तो क्या डेड बॉडी, हमसे सर बोले क्या पोस्टमार्टम वहाँ होगा कि यहाँ होगा? हमने कहा सर नहीं, वहाँ से बॉडी आ रही है, पोस्टमार्टम यहाँ होगा। तो बोले क्या चल चुके हैं? हमने कहा जी सर आधे घंटे बाद चलेंगे। तो बोले ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से लौटता हूँ, फिर आपके घर पर मैं आता हूँ। बाकी मैं आपके साथ हूँ, प्रशासन आपके साथ है, न्याय आपको मिलेगा और वो साले जेल जाएंगे। राम हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार जायसवाल। क्या घटना घटी है आपके यहाँ? हमारे पुत्र की मृत्यु मार मार के हत्या कर दी गई। कैसे हुआ मामला, किस पे संदेह है आपका? मामला ये था कि आगे मुसाफिर खाना के आगे जो पुलिया पड़ती है वहाँ पर एक आदमी से झंझट हुआ था मेरे बच्चे से। 8-10 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया था। तो उसके बारे में गौतम दरोगा और थाने के सब लोग जानते हैं और सब लोग समझा बुझा कर भेज दिए थे। हमारा लड़का लखनऊ चला गया था और आज 11 बजे आया। हम खाना खा रहे थे 1 बजे। उसके बाद में आया, हमसे बातचीत हुई, यहाँ से बाहर निकला और वहाँ पर जाके बैठा था। वहाँ से वापस आ रहा था, उसको घेर करके मार दिया गया। अरे इनके क्या रहा थे? अमर की अमर चौरसिया के दुकान पर, अमर चौरसिया के दुकान पर नीरज पंडित रहते हैं, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया, करवाया। चेहरा किसी को देखे नहीं मगर करवाए। हाँ, लेकिन वो हमको चैलेंज धमकी देकर गए थे यही सड़क पे, यही सड़क पर। और उस समय धमकी देकर गए थे कि जब वहाँ पर गौतम इंचार्ज खड़े थे उनके साथ पुलिस भी थी, उन्होंने समझा बुझा करके सबको भेज दिया, लेकिन तब भी धमकी दे रहे थे। सर आज यहाँ एक घटना हो गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज दिन में करीब जो है 3:15 बजे घटना है। एक कपिल नाम का लड़का है, जिसको किसी कुछ लोगों ने जो है उसको बताया जा रहा कि बैट से मार दिया था, उसके सिर में चोट लगी थी। उसे यहाँ से रेफर किया गया था फैजाबाद के लिए, फैजाबाद वालों ने उसको लखनऊ रेफर किया, लेकिन रास्ते में इसकी जो है मृत्यु हो गई है। अभी तक जो अभी डेड बॉडी अभी जस्ट पहुँची है, लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों तक कोई तहरीर नहीं दी गई। जैसी तहरीर होती है।